भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस व्रत कथा के संदर्भ में बताया गया है कि श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बरिखद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने फिर कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ का आनंद चाहती हूं। अक्षोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके रोने लगी। इस तरह पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का जन्म होगा। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसु, अपने सौम्य व्यवहार से तुमने सभी का मन बहुत प्रसन्न कर दिया है। आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया है, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह इस तिथि यानी अमावस्या पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु यानी अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फल स्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ और अधिक मास की सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी अमावस्या माना गया। एक और कथा अमावस्या के संबंध में आती है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु का उनके घर आगमन हुआ और उस लड़की की सेवा से वो प्रसन्न हुए। उसका हाथ देख करके उन्होंने बताया कि इसके हाथ में विवाह की रेखा है ही नहीं। साधु ने जैसे ही बताया और परिवार वाले बहुत घबराए। उन्होंने पूछा कि संत जी, यदि इसका विवाह नहीं हो पाएगा तो यह हमारे लिए बड़ा दुख का विषय होगा, तो आप कोई न कोई ऐसा समाधान या उपाय हमें बताइए जिससे कि इसका विवाह हो जाए। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना नामक धोबन है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की प्रतिदिन सुबह सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे घर का काम करके वापस आ जाती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता है। तब उसने कहा कि माताजी, मैं तो नहीं करती हूं, पता नहीं आप कर लेती है या कोई और करके चला जाता है, मैं भी इस बात के लिए बहुत चिंतित हूं। अगले दिन से सास और बहू दोनों निगरानी करने लगी। काफी दिनों बाद सोना धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से हमारे घर का यह साफ काम क्यों कर रही हो। तब उसने सोना धोबिन को सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उस धोबन के पति की मृत्यु हो गई।
वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भौंरी दी, यानी परिक्रमा दी, 108 बार परिक्रमा की, उसके बाद पानी पिया और उस दिन सुबह से निराहार और बिना जल पिए वह पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। और उस दिन अमावस्या तिथि थी, इसलिए अमावस्या के दिन जो भी सौभाग्यवती माताएं बहने पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करती है, तुलसी की पूजा अर्चना करती है और परिक्रमा करती है, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको अमावस्या का व्रत रख करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यह तो बड़ी अमावस्या है, अधिक मास की अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, इसलिए इस दिन तो आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास अधिक मास अपने आप में बड़ा महीना होता है। और इस महीने जो भी पूजन पाठ किए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, उपाय किए जाते हैं, जप किए जाते हैं, तप किए जाते हैं या फिर दान पुण्य किए जाते हैं, वो मनुष्य को करोड़ों गुना फल प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार यहाँ पर अमावस्या की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गो माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं नगद राशि के रूप में, आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।